तो बच्चों आज है 9 अक्टूबर और आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर, लेकिन 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 हम चलेंगे अपने क्योट ऑफ द डे। क्योट ऑफ द डे पढ़ते हैं, विनर आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। विजेता वो लोग नहीं होते जो फेल नहीं होते, लेकिन वो लोग होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते, यानी कि अपने गेम से बाहर नहीं निकलते। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, जो हार मान जाते हैं वो अपने क्विट करने वाले होते हैं। तो कभी क्विट नहीं करना है आपको ज़िंदगी में, हमेशा ट्राई करते रहो, पढ़ते रहो और चलते रहो। तो चलिए चलते अपने आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। तो हमारा क्वेश्चन लास्ट वाला कौन सा था, यस्टरडे नहीं बोलूँगा। McFest Beverage has won a battle against PepsiCo to use Mountain Dew trademark. The company is from which nation? यानी कि McFest Beverage ने PepsiCo के खिलाफ Mountain Dew trademark का उपयोग करने के लिए लड़ाई जीत ली है। कंपनी किस देश से आधारित है? तो किस देश की है आपको पता होना चाहिए, किसकी है? इंडिया की है, वैसे मैंने रेड किया हुआ है। Mountain Dew अब तक जो आता था Pepsi की जो कोल्ड ड्रिंक थी उस पर आता था, लेकिन जो McFest बेवरेज है इन्होंने एक पानी का नाम, पानी की बोतल का नाम माउंटेन ड्यू रखा है, जिस पे इन्होंने अपना ट्रेडमार्क पे बैटल जीत चुके हैं। किसके अगेंस्ट? पेप्सिको के अगेंस्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। डैश प्राइम मिनिस्टर सबा अल खालिद अल सबा रिजाइंस। यानी कि डैश प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा इस्तीफा देते हैं। तो कौन से देश के हैं? मेन है कौन से? कुवैत के हैं। अब कुवैत से जान लेते हैं कुवैत की राजधानी क्या है। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है, जो कंट्री का नाम है उसी की सिटी है। और करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। डैश सक्सेसफुली टेस्ट्स तिसरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी कि डैश सफल परीक्षण तिसरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो किस देश ने किया है टेस्ट? किसने किया है? रशिया ने। अब रशिया की राजधानी क्या है? रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, और जो करेंसी है वो रूसी रूबल है, रूबल आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। विच नेशन विल सेंड द फर्स्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस। यानी कि अंतरिक्ष में पहला शुद्र खनन रोबोट कौन सा राष्ट्र भेजेगा? तो कौन सा भेजेगा? चाइना भेजने वाला है। कब भेजने वाला है? नवंबर में भेजने वाला है। प्लस चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। और जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो कौन है? जी जिनपिंग है। और जो चाइना की ऑफिशियल करेंसी है वो रेन मिनबी है। युआन तो एक यूनिट है उनके फाइनेंशियल इकोनॉमिक को दर्शाने के लिए, उसकी एक यूनिट है सिर्फ, जो ऑफिशियल है वो रेन मिनबी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2020 वॉज गिवन टू अमेरिकन पोएट डैश। यानी कि साहित्य 2020 में नोबल पुरस्कार अमरीकी कवि डैश को दिया गया। तो किनको मिला है? लुइस ग्लक को मिला है, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस। तो चलिए चलते हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इंडियन एयर फोर्स डे IAF डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना हुई थी। कब? किसकी? IAF इंडियन एयर फोर्स की। और चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया आपको याद रखना है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी चीफ ऑफ IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स। तो चलिए चलते हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर डैश हैज़ बीन पास्ड अवे। यानी कि महान बॉलीवुड अभिनेता डैश का निधन हो गया है। तो किनका हुआ है रिसेंटली? विशाल आनंद जी का हुआ है। काफ़ी बड़े अभिनेता थे
1976 के एक सुपरहिट गीत और उसके फिल्म से चलते चलते से ये लोकप्रिय हुए थे। आपको याद रखना है, अभी इनका रिसेंटली में निधन हुआ है। तो चलिए चलते हमारे 7th क्वेश्चन पे। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर डैश हैज पास्ड अवे, पूर्व सीबीआई निदेशक डैश का निधन हो गया है। तो जो हैं जिनका निधन हुआ है वो अश्वनी कुमार जी हैं, इनका निधन हो गया है। पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, सीबीआई के पूर्व निदेशक भी रहे हैं, और 2006 में इन्होंने हिमाचल की डीजीपी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। प्लस 2010 में इन्होंने काफ़ी संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में पढ़ाना भी शुरू किया था। तो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन। हु बिकेम द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि IPPB हिंदी में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बने? तो कौन बने हैं? जे वेंकट रमु जी बने हैं, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, कब इसको लॉन्च किया गया? तो इसको जो लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था? 2018 में किया था। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 9th क्वेश्चन। एक्सिस बैंक डिड पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू लॉन्च को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड, यानी कि एक्सिस बैंक ने सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो विस्तारा एयरलाइन के साथ की गई है साझेदारी। एक्सिस बैंक ने और विस्तारा ने मिलकर के एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो मैं बता दूं आपको, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और जो विस्तारा का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है गुड़गांव हरियाणा में। अब जान लेते हैं एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है। अमिताभ चौधरी जी हैं, और विस्तारा के CEO कौन है? लेस्ली थिंग। विस्तारा के CEO लेस्ली थिंग है। तो चलिए चलते हमारे 10th क्वेश्चन पे, जो हमारा 10th क्वेश्चन है। विच गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल सेवा प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज, यानी कि किस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? तो गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, और इसके तहत 3,500 गांवों में 100 MBPS की फाइबर कनेक्शन देने वाले हैं। काफ़ी अच्छी पहल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसका आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ द न्यू ब्रांड नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियम कॉटन, यानी कि इंडिया के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नेम क्या है? तो क्या है आपको बताना है, और इसको लॉन्च किसने किया है? जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है हमारी? स्मृति ईरानी जी। उन्होंने कब लॉन्च किया ये? सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। अब कॉटन डे कब मनाते हैं? गूगल कीजिए और मुझे को बताइए। मेरे को तो पता ही है, आपको चेक करके बताना है। तो इसका आंसर भी आपको बताना है, और उसके साथ साथ कॉटन डे, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं हम, वो भी बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर से अपने करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।